शूट रही हो तो रसोई थी स्कूल की, छोड़ दे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ राजा और स्वागत है आपका आज के हमारे नए व्लॉग में। भाई कल तो बहुत खतरनाक वाली सर्दी पड़ी थी भाई, बहुत ज़्यादा। आज भी है, अभी धूप आ गई है लेकिन फिर भी है ना सर्दी बहुत है, बहुत चल रही है ठंडी ठंडी। ये देखो थोड़ा बहुत कोहरा भी आया हुआ है धूप आने के बाद भी। ये सूर्य भगवान के दर्शन कर लो भाई। क्या करा रखो, 8 मिनट जा रहे हैं, मारकन मत बालाजी के जा रहा हूँ, बालाजी के चाल से आ जाना। चलो तो पोकी को ले रहे हैं, दिनेश मामा को। हाँ यार तेरा टोपो है, जूता खोल लो यार। अच्छा यहाँ जूता खोल लाएगी। ये हमारा पगला बाबा का मंदिर है, देखो ये देखो भाई, पास से देखता हूँ आपको हमारा पगला बाबा का मंदिर। ये देखो ये पद चिन्ह बने हुए हैं तीन, इनकी पूजा करते हैं। ये देखो ये कुछ ऐसा है मंदिर, और मंदिर के पीछे देखो ये मकान से बने हुए हैं, इनको तिवारा बोलते हैं। इनके ऊपर देखो पक्षियों के लिए दाना वगैरह डालते हैं। ये देखो ये डाले हुए हैं, अभी डाले हैं मैंने, ये इस पर डाले हुए हैं देखो। और पीछे से कुछ ऐसा दिखता है हमारा मंदिर, और ये नीचे भी देखो चबूतरा बनाया हुआ है, इस पर भी दाना वगैरह डालते हैं पक्षियों के लिए। ढकते हो ये रक्षित पूछ रहा है कि गेट बंद कर दो क्या, गेट बंद कर रहा है। और ये बावड़ी मैंने आपको दिखाई थी अंदर जाकर, चलो कर लिए दर्शन, अभी चलते हैं। चल रहा रक्षित, रक्षित हेलो बोल दे। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रही हूँ? बता दो भाई रक्षित को क्या कर रहे हो आप सब लोग। अभी हम जाएंगे बालाजी के मंदिर, बोल दे। अभी हम जाएंगे बालाजी मंदिर। चलो चलते हैं फिर, चलना चलते हैं। हाँ चलो। दूसरा का घंटी भाई, ये पता है किस चीज़ की बात कर रहा है? जो मंदिरों में घंटी लगाते हैं ना, तो पगलियाल बाबा के मंदिर में घंटी थी, तो अभी बालाजी के मंदिर में जा रहे हैं तो उसके लिए बोल रहा है कि इस मंदिर में भी है घंटी। अरे इसको दिखाई घंटी। और ये है हमारे बालाजी का मंदिर, देखो ये देखो भाई हमारे बालाजी का मंदिर। अपनी चप्पल उतारा रख से देखो अभी। ये देखना पूरा भगत बन रहा है। और ये देखो बालाजी का जाट है, कितना जबरदस्त चारों तरफ फैला हुआ है। देखो भाई हमारे बालाजी का जाट, चलो अंदर से दिखाता हूँ आपको मंदिर। ये हमारे बालाजी का मंदिर देख लो भाई, शीत बजाएगा घंटी, बजा दे। बजा दे। जी मैं बालाजी की चप्पल पकड़ी, जरा जा बोला, जरा जा, कल 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 की बात, पता है तो गंदेर नहीं केवड़ा है ये दागा सुई ऐ। ये लो ये इमेज कर रहा है कि तुम उड़ा रहा है, बस बस अरे उड़ के चाल। तो तुम उड़ाने की फीलिंग ले रहा है। ये बोल रहे हैं क्यों पानी बोल रहे हो, बोल रहे तो अभी क्यों पानी बोल रहे, अनी चली क्या कर दियो, अनी चली बताने का सर कुमार।
क्यों अच्छा अच्छा चल चलो चल चल ये देखना शूटर को चल चल देखना बकरी बकरी शूटर का देखना चल बकरे से डर के भाग रहा है आगो आगो। तो भाई अभी हम आए हुए हैं जोहड़ में, ये देखो कितना बड़ा जोहड़ है भाई, एकदम सुनसान। ये देखो खूब बड़ा है भाई, ऐसी जगह के रास्ते देखो आप, एक इस तरफ जा रहा है, एक ये गया, एक ये गया कितने के रास्ते गिन होगे, खूब सारे रस्ते रस्ते हैं यहाँ पर। वो सामने देखो स्कूल है, अभी तो बंद है, ये प्राइमरी स्कूल थी। ये देखो वो स्कूल, ये अभी यहाँ से देखो, ये तो रसोई थी स्कूल की, और वो स्कूल है सामने, और ये लेटवाथ वगैरह टंकी ये सब कुछ थे, और सामने इसके देखो ये प्लेग्राउंड भी था। अभी तो बंद पड़ी है ये स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल थी ये, फिफ्थ क्लास तक थी। तो अभी चलते हैं घर, वो देखो पीछे स्कूल, अभी घर चलते हैं भाई। तो भाई रक्षित ने मेरे को बोला कि लाइट वाली पतंग लेके आना, तो उसके लिए लाइट वाली पतंग लेके आएंगे, अभी देखते हैं क्या कर रहा है, पहले ये देखेंगे उसको। वो अभी भी पतंग उड़ाने में लगा हुआ है, देखो हो रहा सामने। के केले केले भाई पतंग ले भाई कौन सी आ कौन सी तो आ को नाम भी बोलो राम को नेक नाम बता कौन सी पतंग है कौन सी पतंग है तो बता दे देखो कितना कुछ हुआ है कैसे कर लिया है कैसे कर लिया छोला छोला अरे अरे छोला दाता बोल दे क्या हमारी पतंग अभी उड़ाएंगे हम अभी उड़ाएंगे हाँ अभी उड़ाएंगे हमारी पतंग अभी उड़ाएंगे हमारी पतंग अबे हमारे रक्षु की पतंग उड़ने को तैयार है रक्षु उड़ावांगे तेरी पतंग ने हैं उड़ा देंगे भाई रक्षु की पतंग उड़ाएंगे अभी देखो छोड़ दोगे रक्षु हैं तो छोड़ दो छोड़ दो नहीं क्यों छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो कौन छोड़ा अरे बोल जा रही है माँ नहीं यार यार आओ आप हो रही है यार सेकंड वो छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे गई है रक्षु रक्षु गई तेरी पतंग दिखा भी दिखा अपन ऊपर के दे और आगड़ी के लाई जाना है रिवाज थी और रु रु पलटी खाए रक्षु तेरी पतंग गई देख लाइट आई तो भाई लोगों सर्दियों के मज़े लिए जा रहे हैं आग के पास बैठ के, और ये हमारा नरेश है, पता नहीं सॉक्स कहाँ पे भिगो के लेके आया, सुखा रहा है उनको आग के पास बैठा बैठा। ये देखो लगा पड़ा है, पहली बार आया ब्लॉग में आते तो भाई लोग बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और वीडियो को लाइक करना, जितने देखते हो उतने सब तो लाइक किया करो कम से कम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।